मेरे रोज ग्लो चैनल में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सा बेसन का एक फेशियल लेकर के आई हूँ, जिसे करना इतना आसान है ना, आपको तीन ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मतलब सिर्फ थ्री इंग्रेडिएंट्स से आप ये फेशियल कर लोगे। बहुत सिंपल, बहुत इजी, वीक में एक बार किया जा सकता है। फायदे बहुत सारे हैं, डलनेस, ड्राइनेस, अगर आपके चेहरे पे कालापन बहुत ज्यादा है तो उसे ये फेशियल फिनिश कर देगा, एक ग्लो लाएगा, एक शाइन लाएगा आपके चेहरे पे, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये फेशियल करते करते आपके चेहरे की रंगत में भी फर्क आना शुरू हो गया। आपके चेहरे पे अगर बहुत ज्यादा काले धब्बे थे या किसी भी तरीके के दाग बहुत ज्यादा थे एक्ने से रिलेटेड, तो वो भी धीरे धीरे करके इस फेशियल को करने से फिनिश हो जाएंगे। वीक में एक बार कर सकते हैं, जिनके डलनेस, ड्राइनेस, टैनिंग वगैरह बहुत ज्यादा है वो वीक में दो बार भी इस फेशियल को कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके आपको ये फेशियल कर लेना है। कोई भी ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है फेशियल को करने के लिए, नहाने जाने से पहले भी आप सुबेरे इसको फेशियल को फटाफट से कर सकते हैं, इतना सिंपल और इजी है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमने ये फेशियल किया, क्या क्या यूज किया, सारी डिटेल्स आगे आपके साथ वीडियो में शेयर करती हूं। अब देखिए, इस फेशियल को करने के लिए हम क्लेंजिंग और स्क्रबिंग साथ में करेंगे यहाँ पे। तो आपको एक चम्मच बेसन में लगभग एक चम्मच के करीब कच्चा दूध ऐड कर लेना है। मैं यहाँ अंदाजे से ऐड कर रही हूँ, और दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके आपको इसे अपने पूरे फेस पे एज अ फेस पैक लगा के हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज देनी है, स्क्रबिंग करनी है, क्लीन करना है अपनी स्किन को। और यकीन जानिए, ये स्टेप करने के बाद आपको बहुत ही क्लीन और ग्लोइंग स्किन मिलेगी। तो यहाँ पे 5 to 10 मिनट्स अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद अपने फेस की, हमने यहाँ फेस क्लीन कर लिया, और पहले स्टेप के बाद ही आप देखिए स्किन कितनी क्लीन लग रही है। अब सेकेंड स्टेप में हम बनाने जा रहे हैं फेस क्रीम। तो उसके लिए आपको लेना है एक चम्मच बेसन, एक चम्मच दही और 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके आप एक बेहतरीन सी क्रीम तैयार कर लेंगे, और इसे आप अपने पूरे फेस पे लगा के एटलीस्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स मसाज देंगे। जितना आपके पास समय हो उस हिसाब से मसाज दे लीजिए, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स तो मसाज आप दीजिए ही दीजिए। हल्के हल्के हाथों से बहुत बढ़िया तरीके से आपको मसाज देनी है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इस क्रीम के, स्किन अच्छे से हाइड्रेट हो जाती है, डलनेस ड्राइनेस फिनिश हो जाती है, और आपको कलर में भी एक चेंज नज़र आता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा काला अगर जिनका रंग हो तो उनको कलर में फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं, उसके लिए आपको लेना है 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच गुलाब जल, और हमारा फेस पैक बनके रेडी हो गया। इस फेस पैक को भी आपको अपने पूरे फेस पे लगा के एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स छोड़ देना है। ये हल्का सा ड्राई हो जाए तो आप इसे वॉश कर लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद में आप अपने फेस को मॉइस्चराइज करना मत भूलिए। अब यहाँ देखिए मैं क्लीन किस तरीके से कर रही हूँ, रिमूव किस तरीके से कर रही हूँ इस फेस पैक को। हल्के हल्के पानी से मैं मसाज देते हुए इसे क्लीन कर रही हूँ। समय नहीं है तो डायरेक्ट वॉश कर लीजिए, इस तरीके से क्लीन करेंगे तो और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ मैं मॉइस्चराइज करने के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करती हूँ। आप देखते होंगे मोस्टली फेशियल्स में मैं एलोवेरा जेल का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ एलोवेरा जेल मैंने थोड़ा सा ले लिया और उसे अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लिया, और ये देखिए कितनी अच्छी ग्लोइंग स्किन आपको मिली है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है इससे सिंपल फेशियल कोई हो ही नहीं सकता, आप इसे वीक में एक बार जरूर करिए। आपने कितनी आसानी से दूध, दही और गुलाब जल, ये 3 इंग्रेडिएंट्स ऐड ऑन करके हमने ये फेशियल किया। बेसन आपकी स्किन पे अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव ऑयल होता है तो उसे फिनिश करने की क्षमता रखता है। बेसन अगर आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा कहते ना कि टैनिंग रहती है, डलनेस रहती है, उसे फिनिश करने की क्षमता रखता है, आपकी स्किन को क्लीन, क्लियर और ग्लोइंग बनाता है। साथ में हमने यहाँ दूध ऐड कर दिया है, दही ऐड कर दिया है, तो ये तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन पे निखार ही निखार लाते हैं, आपकी टैनिंग को फिनिश करने में रामबाण होते हैं। तो आप एक बार जरूर ये फेशियल ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आते हैं आज की क्विक टिप पे। आज की क्विक टिप उन लोगों के लिए जिनके बहुत ज्यादा डलनेस ड्राइनेस रहती है, जिनकी स्किन पूरी गर्मियों भर भी ड्राई रहती है, मतलब कितने मॉइस्चराइजर्स, कितनी क्रीम्स लगा लें, स्किन पे ड्राइनेस आती है, खासतौर से टी एरिया पे, ये टी एरिया जो होता है इस पे ड्राइनेस बहुत ज्यादा रहती है,
उन लोगों के लिए एक सिंपल सी रेमेडी। इस रेमेडी को आप वीक में 3 बार कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कच्चा दूध और शहद को मिक्स कर लेना है। इन दोनों चीजों को मिक्स करके आप अपने पूरे फेस पे से कॉटन बॉल की मदद से डैप कर लीजिए, और डैप करने के बाद आप इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। जब स्किन ड्राई हो जाए तो उसे वॉश कर लीजिए और मॉइस्चराइज कर लीजिए। ये रेमेडी जब आप वीक में 3 बार करेंगे, आपकी डलनेस ड्राइनेस धीरे धीरे करके फिनिश हो जाएगी, आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएगी, शाइन करने लग जाएगी, और आपको किसी भी तरीके से टैनिंग की समस्या का सामना और ज्यादा गर्मियों में नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये फेशियल और आज की क्विक टिप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोनों ही चीजों को ट्राई करिए, अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, साथ ही साथ मुझे मोटिवेट करिए और अपने व्यूज शेयर करिए मेरे साथ कि मैं किस तरीके की वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूं, किस तरीके की वीडियोस आप देखना पसंद करेंगे, ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस दे सकूं। टेक केयर, बाय बाय।